विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया और इंडिया की तमाम 26 विपक्ष की पार्टियां मिलकर यहां पर मणिपुर का जो वीडियो आया उसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं। इंडिया ने यह ऐलान कर दिया कि अब मणिपुर के साथ इंडिया खड़ा है, यानी कि गठबंधन खड़ा है। गठबंधन होने के बाद लगातार दर्शकों ये कहा जा रहा था कि ये गठबंधन नहीं चल पाएगा, क्योंकि कई बार गठबंधन टूटे हैं, मतभेद हुआ है, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, कहां से किसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें कोई ऐसी तस्वीर अभी तक नहीं आई है जिसमें यह कह दिया जाए कि गठबंधन टूट जाएगा। तमाम विपक्ष की पार्टियां एक सुर होकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं और इस बीच सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे सुप्रिया श्रीनेत ने मणिपुर को लेकर कह दिए हैं और दर्शकों आपको बता दें कि यहां पर गठबंधन क्या को सोचता है इसको लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बता दिया कि मणिपुर के साथ अब इंडिया का कदम खड़ा है। आप सुनिए यहां पर सुप्रिया श्रीनेत को। जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के आंसू पोछेगा, उनको ढांढस बंधाएगा, इंडिया पूरे देश की मोहब्बत मणिपुर तक पहुंचाएगा, ये इंडिया का वादा है। लेकिन आप कब तक रणछोड़ बने रहिएगा? आप कब बात करिएगा मणिपुर की? आप कब शांति की अपील करिएगा? 36 सेकेंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है, आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? ये सवाल आपसे रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं समझती हूं आपका डर, क्योंकि इंडिया के आगे तो कभी कोई जीतता ही नहीं है और ये तो इतिहास साक्षी है। याद रखिएगा मोदी जी, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने जमीनी स्तर पर जो है यहां पर मणिपुर की रक्षा के लिए बात की। यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मणिपुर के लिए देश के प्रधानमंत्री सामने नहीं आते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ते हैं या फिर एन वीर सिंह का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में इंडिया जो है इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। और 26 विपक्ष की पार्टियों ने अगर मोर्चा खोल दिया और कुछ बड़ा फैसला ले लिया तो ये तय मानो कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो है मजबूर होना पड़ेगा आयोग को। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।